हाय हेलो नमस्ते, मैं हूं नेहा आपके साथ और नौकरी वाला एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। देखिए, केनरा बैंक ने ना 3000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है और उस भर्ती के लिए एप्लीकेशन का प्रोसेस भी जल्दी शुरू हो जाएगा। नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। सो आज हम इस वीडियो के जरिए आपको बताने वाले हैं कि केनरा बैंक में जो 3000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है उसकी डिटेल्स क्या है, आप कब तक अप्लाई कर पाएंगे, कहां पर अप्लाई कर पाएंगे, क्वालिफिकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और साथ ही आपका सिलेक्शन कैसे होगा। सो अगर आप भी चाहते हैं केनरा बैंक से जुड़ना और बैंक में नौकरी करना तो आपके लिए ये वीडियो है, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वीडियो के साथ आपको एंड तक बने रहना है, बीच में नहीं स्किप करना है। तो दोस्तों, केनरा बैंक में जो 3000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है ना, वो अप्रेंटिस के पद हैं और अगर आपको इसका हिस्सा बनना है तो ऑफिशियल वेबसाइट है canarabank.com, यहीं पर आपको जाना होगा और जाकर अपना फॉर्म सबमिट करना होगा। आपको मैं ये बता देती हूँ कि जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है ना, वो 21 सितंबर से शुरू होता है और आपके पास 4 अक्टूबर तक का समय होगा। 4 अक्टूबर के बाद लिंक एक्टिव नहीं रहेगा और आप वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म नहीं भर पाएंगे। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस भर्ती के लिए तो 4 अक्टूबर से पहले पहले आपको फॉर्म भरना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार फॉर्म तो हम भर दें टाइम से पहले पहले, लेकिन पता तो हो कि हम एलिजिबल हैं भी या फिर नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता देती हूँ। अगर इस अप्रेंटिस भर्ती का आपको हिस्सा बनना है तो आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो ग्रेजुएशन फिर आर्ट्स में हो, कॉमर्स में हो या फिर साइंस में हो, इट डजंट मैटर, आपके पास बस ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी मिनिमम एज 20 साल और मैक्सिमम एज 28 साल होनी चाहिए। इससे कम या फिर इससे ज़्यादा अगर आपकी एज होती है तो आप केनरा बैंक की इस अप्रेंटिस वाली भर्ती का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। अब मैं फटाफट एक बार ये बता देती हूँ कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो दोस्तों, क्या होता है कि ज्यादातर जो अप्रेंटिस की भर्ती होती है उसमें आपको मेरिट के बेसिस पर जज किया जाता है, लेकिन केनरा बैंक की ये जो भर्ती है ना, इसमें ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर रिटर्न एग्जाम देना होगा और रिटर्न एग्जाम के आधार पर ही आपको जज किया जाएगा और उसके बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। अगर आप रिटर्न एग्ज़ाम भी निकाल लेते हैं और आपके सारे डॉक्यूमेंट भी ठीक होते हैं, उसमें कोई फ्रॉड नहीं होता या फिर कोई गड़बड़ी नहीं होती है, तो आप केनरा बैंक की इस अप्रेंटिस वाली भर्ती का हिस्सा बन सकते हैं। और जब एक बार आप सिलेक्ट हो जाएंगे ना, तो आपको हर महीने स्टाइपेंड भी मिलने वाला है। सो सारी जानकारी हमने यहाँ पर आपको दे दी है, बस आपको आखिरी तारीख से पहले पहले वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरना है और ये मेक श्योर करना है कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया हो या फिर आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हो। इस बात का भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एज लिमिट का ध्यान रखना भी आपके लिए उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पर भी एज लिमिट का एक बार होता है आपको वहाँ पर ध्यान देना ही पड़ता है एज के बारे में। सो, वैसे हमने तो सारी जानकारी आपको दे ही दी है, फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता या फिर कुछ भी डाउट आपके मन में होता है तो आप नोटिफिकेशन जाकर चेक कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। आई होप कि इस वीडियो ने आपकी मदद ज़रूर की होगी और अगर आप बहुत लंबे टाइम से बैंक में नौकरी करना चाह रहे थे तो आप इस वाली भर्ती का हिस्सा ज़रूर बनेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसी और वीडियोस के लिए, ऐसे और नोटिफिकेशन के लिए आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल NBT Tech Ed।